हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th केमिस्ट्री। जैसा कि आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 हमारा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एंडिंग हो गया और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट को जाना और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई और कलर्ड आयंस। ये क्या होता है कलर्ड आयंस और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं डी ब्लॉक में या ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वैसे वैसे उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स बढ़ता है और धीरे धीरे साइज हमारी क्या होती है डिक्रीज होती है। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है डिक्रीज होती है एंड अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है इंक्रीज होती है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई आर ट्राइवेलेंट आयंस। ट्राइवेलेंट आयन M3+ का मतलब है जो भी मेटल होगा या मींस मेटल जो भी मेटल होगा वो 3+ एट द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम सीजियम टू लुटेनियम। हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है सीजियम टू लुटेनियम द डिक्रीज इन साइज यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है डिक्रीज इन साइज साइज डिक्रीज होती है हाफ एटम एंड आयन इज नोन एज लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो हम लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है, इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। तो लैंथेनम की वजह से लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है आकर्षण इलेक्ट्रॉन पे वो नहीं लगने पाता है, जिसके वजह से क्या होता है हमारा उसमें अट्रैक्शन हो जाता है यानी साइज हमारा क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। तो देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई। जब रेगुलर हमारा क्या करता है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई आर ट्राइवेलेंट आयंस का क्या करता है डिक्रीज करता है नंबर इंक्रीज है फ्रॉम सीजियम टू यानी हमारा रेडियाई आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है फ्रॉम एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज और एटॉमिक नंबर क्या करता है इंक्रीज करता है यानी सीजियम टू लुटेनियम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा और साइज विल बी डिक्रीज और साइज हमारा डिक्रीज करेगा, इसी को बोलेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट है हमारा कलर्ड आयन। मेनी ऑफ द लैंथेनाइड आयंस बहुत सारे लैंथेनाइड आयन हैं जो कि हमारा क्या देते हैं कलर सॉल्यूशन देते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कलर सॉल्यूशन देते हैं। कलर सॉल्यूशन कैसे देंगे ये हमको जानने के लिए क्या करेंगे द कलर इज ड्यू द पार्शियली फिल्ड ऑफ ऑर्बिटल। जब हमारा ऑर्बिटल जो है एफ का जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा पार्शियली फिल्ड होगा आधा भरा हुआ होगा आधे से ज़्यादा भरा हुआ होगा लेकिन कम्प्लीट भरा हुआ नहीं होगा, तो वहाँ पे एफ और एफ सब्सटेंस का ट्रांजिशन होगा यानी एफ सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन जम करके दूसरे एफ सब्सटेंस में एंटर कर जाएगा यानी वहाँ पे ट्रांजिशन होगा, उसको बोलेंगे हम क्या कलर्ड आयन। ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो हमारे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करते हैं वही हमको कलर्ड आयन देते हैं यानी का कलर इन ड्यू टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। हमारा ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए पार्शियली फिल्ड या ऑर्बिटल होना चाहिए व्हिच अलाउ टू एफ एफ ट्रांजिशन और उसका ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए एफ एफ ट्रांजिशन होना चाहिए। तो M3+ आयन हैविंग 4F0 4F7 4F14 यानी बिल्कुल सा भरा हुआ नहीं है आधा भरा हुआ है पूरा भरा हुआ कंप्लीट फिल है कॉन्फिगरेशन आर कलरलेस। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं कलरलेस होते हैं यानी कलर नहीं देंगे यानी 4F यानी Lanthanum 3+ कलरलेस, Gadolinium 3+ कलरलेस, Lutetium 3+ कलरलेस, ऐसे एलिमेंट हमारे कलरलेस होते हैं यानी वो कलर्ड कंपाउंड नहीं देते हैं। कलर्ड कंपाउंड हमारे वही एलिमेंट देंगे जिनका हमारा क्या होगा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होगा आंशिक भरा हुआ ऑर्बिटल होगा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वही हमको कलर्ड आयन दे सकता है अन्यथा और कोई भी एलिमेंट कलर्ड आयन नहीं देगा। लेकिन मैंने यहाँ पर लैंथेनाइड्स आयन आर कलर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कलर्ड आयन लेते हैं यानी हमारा लैंथेनम जो होता है उसमें एफ एफ का ट्रांजिशन ज़्यादा होता है यानी ये कंप्लीट फील्ड नहीं होता है इसलिए हमारा क्या होता है कलर्ड आयन लेता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसे मोमेंट यानी ऐसे आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे
एलिमेंट ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास क्या होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारा हमेशा कैसे देते हैं पैरामैग्नेटिक। अभी हमने कल के वीडियो में बता दिया, अगर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट यही कहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक व्हाइल दीज हैविंग ऑल ऑर्बिटल्स वेयर आर डायमैग्नेटिक, जबकि अदर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं डायमैग्नेटिक देते हैं जब वो क्या होते हैं फुल फिल्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस द लैंथेनाइड्स डू नॉट हैव मच टेंडेंसी, लैंथेनाइड के पास टेंडेंसी नहीं होती है फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। द लैंथेनाइड डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स क्योंकि ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी, इसकी जो चार्ज की डेंसिटी होती है वो लो होती है बिकॉज ऑफ दियर लार्ज साइज, और इसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं बना पाता है लैंथेनाइड से एलिमेंट। तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं कि जब हमारा अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और जब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी ऑर्बिटल में पूरा जोड़ा बनाया रहेगा डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स भरा रहेगा वो हमारा कैसा होगा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। और उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो लैंथेनाइड हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत कम करता है ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी, इसका रीजन है कि इसकी जो चार्ज की डेंसिटी है वो बहुत कम है और जिससे क्या है साइज हमारा बहुत बड़ा साइज है, साइज बड़ा होना और चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटीज, क्या पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटीज पढ़ेंगे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्टिविटीज। तो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में जानेंगे।